नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र से एक खबर दिखा रहे हैं, जहां के पलिया गांव में हुए एक विवाद के बाद की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त घर के लोगों की क्या हालत होगी, साथ ही गाँव के लोगों की भी। कहीं घर के बर्जे टूटे हैं तो कहीं आलमारी टूटी है, कहीं घर में रखा बेड तो कहीं किचन में बिखरे सामान, बाहर खड़ा यह ट्रैक्टर जो इस वक्त आधा जमीन में धस गया है और इसके सारे पुर्जे टूटे पड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक कहा जाए तो इस तरह से कोई आपदा भी सितम नहीं ढाती होगी। पहले हम कुछ परिजनों की बात को सुनवाते हैं, फिर आपको मामले से अवगत कराते हैं। पूरी जितनी संपत्ति थी सर, कोई इधर भर रहा कूदो, कोई इधर भर रहा, जैसे लग रहा था कि यही मौका मिला है कितनी जल्दी इसका घर एकदम हम लोग गिरा दें और कितना लूटपाट कर ले हम लोग। हम पैर पड़ रहे थे सर, क्या उन लोगों को मिला है? हमारे घर में कोई आदमी अगर मार देता कि हम पुलिस वाले के गोली मारे हैं, हमको मंजूर रहता। अच्छा, पुलिस वालों से झड़प गाँव वालों से हुई? गाँव वाले से सर हुआ, मेरे घर से कोई दुश्मनी नहीं थी। पिताजी का कौन सा गाँव है? पलिया थाना रौना पर। क्या घटना घटी रात में आपके घर पे? हमारे घटना यहाँ ये घटी कि हमारे भाई को ये सुनाई दिया कि हमारे भाई को चाकू मार दिया। ठीक। यहाँ से सब गए तो वो बंगाली जो है वो मार के चाकू चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो बहुत जैसे विवाद ज्यादा बढ़ गई थी, तो पुलिस वाले आए फोर्स लेकर, तो वहाँ पर सब गए। तो पुलिस जब हमारी जो चाचा है प्रधान है, तो जब बचाव के लिए आए सुलह करने के लिए कि सब सुलह हो जाए, तो वहाँ पे जो वहाँ के सीओ आए तो बात किए नहीं, बस वो क्या किए कि उनको काले पकड़ लिए और तुरंत उनको मार दिए। जो वहाँ की जनता थी वो देखकर पुलिस वालों को मारने लगी। अच्छा, तो फिर रात में गांव पर क्या हुआ? घर पे ये हुआ कि हमारे घर पे सब मामला शांति हो गई थी, सब घर पे आ गए। वो क्या किए, हम सब घर पे आकर अपना खाना ना बना रहे थे, 8 या 9 बजे के टाइम थी, तब तक वो पुलिस वाले आ गए। तुरंत आए, तुरंत कुछ पूछे ना अच्छे किसी से, तुरंत घर में हलहल कर सबके घुस घुस कर तोड़फोड़ करने लगे। अच्छा, किस चीज़ से तोड़फोड़ कर रहे थे? वो जीसीबी लाए थे दो। हाँ। और का जो डंडे होते। अच्छा बेटा, तोड़फोड़ हुई घर में और कुछ भी हुआ? बहुत बिखरा हुआ सामान और बिखरा गहना जो थी, रुपए पैसे थे सब लूट लिए। ठीक सर, पर्चे बताइए। श्रवण कुमार। पिता का नाम क्या? पिता का नाम राजपत। कौन सा थाना है? थाना रौना सर है। कल क्या घटना हुई थी? कल सर वो मंगरी बाजार में घटना बच्चों में हुई थी, और उसी के लेकर यहाँ विवाद हो गया। किससे घटना हुई घटी थी मंगरी बाजार में? वो बंगाली का एक लड़का है और घर का एक सदस्य लड़का था। आपके घर का? नहीं, घरदार है। अच्छा, क्या नाम है उसका? संतोष है। संतोष से और डॉक्टर से हुआ था? हाँ, उसी से। फिर क्या हुआ? और आकाश से हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं पर बवाल हुआ, फिर यहाँ पर लोग आकर अपना। तो क्या हुआ घर पे रात में? रात में तोड़ फोड़ पूरा घर में किए हैं। अच्छा, किस चीज़ से लोग तोड़े हैं? वो हम्बर था बड़ा बड़ा बड़ा, और JCB आई थी। हाँ। पूरे एकदम तहस नहस कर दी। और कितने की संख्या में लोग थे? बताया जा रहा है कि मऊकुतुबपुर निवासी लिटन विश्वास किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था। लड़की के परिजनों को दोनों के बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग फोन में मिली। उसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़के से पूछने चले गए। इसी बीच आपस में तू-तू मैं-मैं होने लगा। उसी दौरान किसी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और प्रधानपति मुन्ना पासवान को मौके पर बुलाया। इसके बाद जब पुलिस ने मुन्ना पासवान से बातचीत कर रही थी और थाने पर ले जाने लगी, तो मुन्ना पासवान ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से थाने पर चलेंगे। इसी बीच मुन्ना पासवान और पलिया से पुलिस से कहा सुनी हो गई और देखते ही देखते पुलिस और ग्रामीणों से मारपीट होने लगी। तभी कुछ लोग इकट्ठा होकर पुलिस को बुरी तरीके से मारपीट दिए। बताया जा रहा है कि मारपीट ऐसी हुई कि पुलिस वालों की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना मौके पर पहुंची। सूचना पाकर मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंच गई और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि थाना रौनापार, बिलरियागंज व जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंचकर घर में काफ़ी तोड़फोड़ की, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जबकि इस मामले में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि तोड़फोड़ पुलिस ने किया है या किसी और ने, क्योंकि तोड़फोड़ के साक्ष्य किसी के पास उपलब्ध नहीं है।
मामले में एसपी सुधीर सिंह ने कहा है कि एक हुए विवाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सरकारी काम में बाधा डालते हुए पुलिस टीम के साथ गांव वालों ने मारपीट की है। ऐसे में दोनों तरफ से यानी पुलिस की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया है, विवेचना जारी है। इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं। सही है, रौनक पार्क में सर पुलिस मामला सुलझाने गई थी जिसमें ग्रामीणों ने हमला कर दिया था जिसमें दो सिपाही घायल हो गए। सर क्या है पूरा मामला और सर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, रौनक पार्क थाने का पलिया गांव है और वहां पर एक डॉक्टर के साथ कुछ ग्रामीण लोग मारपीट कर रहे थे जिसमें प्रधान भी था गाँव का। उसके द्वारा एसओ रौनक पार्क को सूचना दी गई। एसओ रौनक पार्क ने जो दो नज़दीक सिपाही उस हल्के के थे जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे उनको वहाँ पर भेजा और जब एक कांस्टेबल मारपीट की वीडियो बनाने लगा तो उनके द्वारा सिपाही पर हमला हुए और उसके साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट गई और कांस्टेबल के साथ इनके द्वारा। इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए, एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कार्यालय में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गाँव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान हैं और उसके जो एसोसिएट हैं वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना कर सके। सर मारपीट का कारण क्या था? देखिए, वो डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे थे, कोई विवाद रहा होगा, लेकिन किसी के भी साथ मारपीट करना उचित नहीं है। और जो सरकारी कर्मचारी है जो ड्यूटी पे अपनी गया हुआ है उस बीच बचाव के लिए उसके साथ भी मारपीट करना उचित नहीं है। इस संबंध में दोनों मुकदमे दर्ज है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके इनकी जो संपत्ति है वो भी 14(1) में कुर्क की जाए क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी जनपद राज्य में बर्दाश्त नहीं हो सकती। रक्तदान महादान की सोच को चरितार्थ करते हुए रिवर्स रेंजर्स विभाग से बहादुर रिवर्स दीपक चौहान ने रक्तदान किया। रिवर्स रेंजर्स अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने अपनी शुभकामनाएं दी। रिवर्स रेंजर्स विभाग के प्रभारी प्रांशु सिंह ने भी बताया कि रक्तदान जैसे पुनीत कार्य हम सभी को करवाना चाहिए। रक्तदान महादान है, सब इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान करके हम न जाने कितनों का जीवन बचाते हैं। अतरौली से आए एक मरीज जिसके शरीर में अत्यधिक रक्त की कमी थी। मरीज आर्थिक रूप से कमजोर था, जिसको पूर्व में भी रक्त दिया गया था। आज रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी व रोवर्स रेंजर्स प्रभारी प्रांशु सिंह जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक पहुंचकर अपने रोवर्स दीपक चौहान का हौसला बढ़ाया व शुभकामनाएं दी। वहीं जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीज से कुशलक्षेम पूछकर उनके परिजनों से बात की व आगे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ने पर अपने विभाग की तरफ से मदद करने का आश्वासन दिया। इस मरीज की सूचना देने के लिए छोटे भाई हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष विपिन सिंह को शुभकामनाएं व साधुवाद दी, जो ऐसे मरीज के लिए फोन करके हमें सूचना दी। क्या कुछ कहा इस बाबत प्रांशु सिंह, रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। रोड रेंजर्स विभाग की ओर से दीपक चौहान रोवर्स ने रक्तदान करके ऐसे पुनीत कार्य किया जिसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। साथ ही रोवर्स रेंजर्स अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह जी ने भी ऐसे पुनीत कार्य के लिए अपना हर्ष जताया व शुभकामनाएं दी। वह और भी रोवर्स और रेंजर्स से ऐसी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। साथ ही यह रक्तदान इसलिए किया गया, आज किया गया क्योंकि एक मरीज अतरौलिया से आकर के भर्ती है जो कि आर्थिक रूप से भी कमजोर है और जो कि पूर्व में भी उसको एक यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया गया था और आज भी जरूरत पड़ने पर तुरंत तत्काल रूप से उसे आज ब्लड उपलब्ध कराया गया। साथ ही मैं खुद जाकर जिला चिकित्सालय में उसका हालचाल लिया वह साथ ही और किसी भी चीज की आवश्यकता या ब्लड की पुनः आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने के लिए हमारे पूरे विभाग की तरफ से उसको आश्वासन दिया। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के महंगोपुर ढार गांव में रास्ता बंद होने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें आने जाने की काफ़ी समस्याएं हैं, गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे परेशान होकर हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि गांव के एक व्यक्ति ने रास्ता रोक दिया है, इसके विषय में उससे कई बार बातचीत की गई लेकिन वह रास्ता खोलने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर हम लोगों ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर से शिकायत की जिस पर उन्होंने थानाध्यक्ष अतरौलिया और लेखपाल को निस्तारण कराने के लिए कहा था। कल लेखपाल द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जल्दी जल्द
ही रास्ता नहीं खुलवाया गया तो हम लोग बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीणों और प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, सुनवा दें आपको। सर, मेरा नाम रफीक अहमद, कहाँ के निवासी हैं? धार। अच्छा, ये बताइए समस्या आपकी क्या है? समस्या रास्ते की है, रास्ता रश्मिकांत सनातनजी तिवारी रोके हैं। अच्छा, और हम लोगों ने एसडीएम के यहाँ दरखास्त दिया था। अच्छा, और उस दरखास्त का लेखपाल के यहाँ मैंने निस्तारण के लिए आया था, देखभाल करने के लिए, और लेखपाल रिपोर्ट हम लोग रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोगों ने कहा उनसे? आपसे कहा कि हिल्ला हवाली कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे रास्ता चाहते हैं, क्या चाहेंगे। ठीक, परिचय दीजिए अपना। मैं ध्रुव प्रकाश त्रिपाठी, मांगू पुधार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, तो ये गांव की समस्या क्या है? हमारे गांव की मेन समस्या ये है कि हमारे बगल में रास्ता जाती थी पचासों वर्ष सैकड़ों वर्ष से। अच्छा, ये हमारे पटदार लोग बाधित कर दिए हैं। क्यों बाधित किए हैं? रास्ते में एक क्या नाम सोख्ता खोल दिए हैं, उसकी मट्टी से रास्ता को जाम कर दिया और सत्ता भी बनवा लिए हैं। तो आपने उनसे कहा कभी खोलने के लिए रास्ता? कई बार कहा, ये लोग कह रहे हैं नहीं खोलेंगे ये रास्ता। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी से किया? हमने एसडीएम के यहाँ दरखास्त दिया और उन्होंने लेखपाल आए थे, लेखपाल अपनी रिपोर्ट इसके पहले भी लगा करके कल गए हैं, सही ढंग से रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय जा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं न्याय में? न्याय चाह रहे हैं रास्ता खोली जाए। अच्छा, और बलिया की कोतवाली पुलिस ने अपनी एक बड़ी कार्रवाई में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 50 लाख के सामग्री व उपकरण बरामद किया है। बता दें कि कोतवाली पुलिस द्वारा नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मौके से 20 ड्रम में स्प्रिट, शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद किए हैं जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है और साथ ही चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन दाड़ा के निर्देश में अवैध रूप से अपमिश्रित शराब बनाने वाले गिरोह अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान में थाना कोतवाली बलिया पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री ने भंडाफोड़ किया है और मौके से 20 ड्रम में स्प्रिट, शराब बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। साथ ही साथ चार नफर अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। महाराजगंज जिले के कोटीभार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की ने अपने साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि बीते 23 जून को सब्जी तोड़ने खेत में गई थी, वहीं पर आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई। वही दुष्कर्म का बात सामने आने पर आरोपी गाँव के कुछ बड़े लोगों को अपने पक्ष में करते हुए पंचायत कराकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद बीते 24 जून को पंचायत हुआ जिसमें आरोपी को 5 चप्पल मारने और माफी मांगने पर बरी कर दिया गया। पंचायत के फरमान से क्षुब्ध पीड़िता की मां ने कोठीभार थाने में पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। वही पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि छेड़खानी और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट और पीड़िता के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा एसपी प्रदीप गुप्ता ने, सुनवाते हैं। 23 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे एक नाबालिग लड़की से उससे छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसमें थाने में धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग कायम किया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और उसका 164 CRPC का बयान न्यायालय में कराया जा रहा है। जो भी वो बयान में कहेगी वो मेडिकल में आएगा, उस हिसाब से कार्रवाई होगी।